नमस्कार, जय हिंद। आज हम बात करने वाला है बीसीसीआई का रोल कैसा प्ले करता है आईसीसी पे, जो इंटरनेशनल क्रिकेट बोर्ड है। तो अभी हाल फिलहाल में एक जानकारी, एक प्रेस ब्रीफिंग आया था पीसीबी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरपर्सन का तरफ से। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरपर्सन रमीश राजा साहब ने माना है कि उभरते क्रिकेट मैच पे इंडियन वर्ल्ड का सुपर पावर है क्रिकेट पे, क्योंकि यश साहब का मानना है कि 90% कंट्रीब्यूशन जो इंटरनेशनल क्रिकेट बोर्ड आईसीसी को मिलता है वो इंडियन बिजनेस से मिलता है, और इसी कंट्रीब्यूशन से ही 50% पाकिस्तान को भी मिलता है करके रियाज साहब ने माना है। तो उसी हिसाब से, जो रियाज साहब का बयान का हिसाब से ये मालूम होता है कि उभरते क्रिकेट में इंडियन वर्ल्ड का सुपर पावर है क्रिकेट में। तो रियाज साहब का बयान सुनते हैं इसमें। बोर्ड्स में बांट देते हैं, और वो जो आईसीसी की फंडिंग है वो 90% इंडियन मार्केट से आती है। सो हमें एक तरह से इंडिया के बिजनेस हाउसेस पाकिस्तान क्रिकेट को चला रहे, और कल को अगर इंडियन प्राइम मिनिस्टर ये सोच लेती कि हम पाकिस्तान को फंडिंग नहीं देंगे तो ये क्रिकेट बोर्ड जो है ये कलैप्स भी हो सकता है। बट दे डोंट गिव टू यू ना, तो देते आईसीसी को देते हैं उसकी फंड से। जी अब देखें ना, 90% जो आईसीसी की फंडिंग है दैट इज ड्रिवन बाय इंडियन कंपनीज। आईसीसी जो है वो ऑस्ट्रेलिया नहीं खड़ा होगा जी सामने। आपने देख लिया अभी जो हाल हुआ है, 2 मिनट में वो पैकअप करके चलेगा, क्योंकि उनका इंटरेस्ट ये नहीं है पाकिस्तान, क्योंकि हमारी इकोनॉमी क्रिकेट की उस हिसाब से नहीं है। पाकिस्तान कितना कंट्रीब्यूट करता है आईसीसी को? हम जीरो करते हैं, क्योंकि हम तो हमारी तो ड्यूटी नहीं है। तो वो मतलब मेरा एक पॉइंट कहने का ये है कि हमें अपने पैरों पे खड़े होना। सो ये जो डिपेंडेंसी है ना, ये मैं हर साल 10% एटलीस्ट कम होनी चाहिए। इसलिए जो बड़े प्लेयर्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, जो अभी तक फेंस में बैठे हुए हैं, उनको आना है। एक्चुअली ये मसला हुआ था जब श्रीलंकन क्रिकेट टीम खेलने के लिए गया था पाकिस्तान। उसी मैच के दौरान श्रीलंकन क्रिकेट टीम के ऊपर एक टेररिस्ट अटैक हो जाता है। उसी टेररिस्ट अटैक होने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए बहुत सारा देशों ने बहुत सारा अनप शनप बोलने लगा था। उसी समय से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी का कमाई और टीम का जो कंट्रीब्यूशन कंटिन्यूसली घट रहा था। पीसीबी का उसी हमले पे जो आहट हुआ था श्रीलंकन क्रिकेट टीम, उसके बाद श्रीलंका टीम के बाद पाकिस्तान पे अभी कोई भी खेलने के लिए मना ही कर देता है। रिसेंटली न्यूजीलैंड ने भी मना किया था पाकिस्तान पे खेलने के लिए। तो उसी आहट पे अभी राजा साहब ने भी फिर से ये बयान दिया है कि और उसके जो पैसे हैं वो अपने मेंबर बोर्ड्स में बांट देते हैं सुपर पावर, और वो जो आईसीसी की फंडिंग है वो 90% इंडियन मार्केट से आती है। सो हमें एक तरह से इंडिया के बिजनेस हाउसेस पाकिस्तान क्रिकेट को चला रहे, और कल को अगर इंडियन प्राइम मिनिस्टर ये सोच लेती कि हम पाकिस्तान को फंडिंग नहीं देंगे तो ये क्रिकेट बोर्ड जो है ये कलैप्स भी हो सकता है। बट दे डोंट गिव टू यू ना, तो देते आईसीसी को देते हैं उसकी फंड से। जी अब देखे ना, 90% जो आईसीसी की फंडिंग है दैट इज ड्रिवन बाय इंडियन कंपनीज। आईसीसी जो है वो ऑस्ट्रेलिया नहीं खड़ा होगा जी सामने। आपने देख लिया अभी जो हाल हुआ है, 2 मिनट में वो पैकअप करके चलेगा, क्योंकि उनका इंटरेस्ट ये नहीं है पाकिस्तान, क्योंकि हमारी इकोनॉमी क्रिकेट की उस हिसाब से नहीं है। पाकिस्तान कितना कंट्रीब्यूट करता है आईसीसी को? हम जीरो करते हैं, क्योंकि हम तो हमारी तो ड्यूटी नहीं है।
सो वो मतलब मेरा एक पॉइंट कहने का ये है कि हमें अपने पैरों पे खड़े होना। सो ये जो डिपेंडेंसी है ना, ये मैं हर साल 10% एटलीस्ट कम होनी चाहिए, इसलिए जो बड़े प्लेयर्स हैं जो इन्वेस्टर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।